बोर्ड और नीट की दोनों की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत एक कोविड 19 की वजह से स्ट्रेस होगा, पेरेंट्स को भी स्ट्रेस है कैसे एग्जाम होगा, किस तरह से तैयारी करें, एग्जाम का शेड्यूल ऑलरेडी काफी विलंब हो गया है, और ऐसी स्थिति में तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेस पेरेंट्स को भी है, स्टूडेंट को भी है, और इस तरह के और बहुत सारे प्रश्न बच्चों के और पेरेंट्स के मन में आ रहे हैं। उन सारे प्रश्नों को लेकर के आज मैं आपके साथ उपस्थित हूँ आपकी तरफ से, और इस प्रश्नों के संदर्भ में बात करने के लिए आज हमारे साथ है देश के जाने माने प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट, काउंसिलर और साइकोलॉजिस्ट विकास कुमार जी, जिनका इस क्षेत्र में विशेष संबंध है, क्योंकि ये बड़े सारे कोचिंग प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट से और प्रोमिनेंट देश के स्कूल से डायरेक्ट संबंधित हैं, उनमें इनकी क्लासेस चलती हैं और ये जा करके वहाँ पे काउंसलिंग करते हैं, और रांची में इनका अपना एक साइकोग्राफिक सोसाइटी है जहाँ पर ये बच्चों को पोस्ट एग्जाम कॉलेज चुनने में मदद करते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं, और हर साल लगभग कई हजार बच्चे इनके मार्गदर्शन में अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो आइए आज हम सबसे पहले विकास कुमार जी से तारुफ करवाते हैं आपकी। मैंने को विशेष आग्रह किया था इस विषय पर बात करने के लिए, जिससे कि हमारे जितने भी दर्शक हैं और बच्चे हैं उन सबको फायदा पहुंचे। पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत सारी आग्रह थी कि इस विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया जाए, एक लाइव सेशन आयोजित किया जाए, तो मैंने इसके लिए सबसे उपयुक्त और सबसे बढ़िया मार्गदर्शक विकास कुमार जी को आज आमंत्रित करता हूं इस सेशन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो ये सबसे पहले विकास जी बताए हैं कि एग्जाम स्ट्रेस होता क्या है, ये स्ट्रेस क्या होता है पहले ये बताए, और एग्जाम स्ट्रेस किस तरह से काम करता है, इससे का क्या मतलब है, इसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले श्री अरविंद सिंह जी आपका धन्यवाद। अरविंद सिंह के माध्यम से और इस नए प्रोग्राम से आप लगातार संवाद में रुचि रखते हैं, हमारे शिक्षक गण और साइंस के शिक्षक गण से ही देश चलता है, तो जिन विषयों को लेकर देश के बच्चे वही मांगेंगे, तो मेरे लिए खुशी की बात है कि कहते हैं रोगी जो भावे वैद्य फरमावे, वो विषय आपने लिया जो कि दिल के करीब है, बच्चों को बड़ा जरूरी है। सबसे पहले स्ट्रेस पे मैं आपको बताऊंगा, इसके साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे मैं बता दूंगा, फिर अभी जो जेई मेन और नीट के कनेक्ट पर चर्चा करूंगा जी। हाँ बताएं सर। साइकोलॉजी स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक यू स्ट्रेस और एक डिस्ट्रेस, और अच्छा करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, फंक्शनल होने के लिए यू स्ट्रेस बहुत जरूरी है। तो बच्चे को दिमाग में बात निकाल देना चाहिए कि बिना स्ट्रेस कुछ हो सकता है, स्ट्रेस तो चाहिए, और स्ट्रेस समस्या कब है, जब उसके कारण आप फंक्शन ठीक से नहीं करते हैं। स्ट्रेस कोई गलत चीज नहीं है, हर व्यक्ति में स्ट्रेस का एक लेवल है। अभी आप लाइव कर रहे हैं, इशू है, लाइव इशू है, स्ट्रेस में आप आएंगे, पर वो पॉजिटिव स्ट्रेस है कि हमको ठीक करना है, नेगेटिव कि हाथ पर हाथ धर के बैठ के पता नहीं अब क्या होगा। अरे हमने इस बात को कहा, आपने कहा मैं फिर कह रहा हूं, फिर डिस्कनेक्ट होगा, फिर बात होगी, तो उसका रास्ता निकालना। तो यू स्ट्रेस जरूरी है, पॉजिटिव स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस से बचना चाहिए। अब आपको आते हैं जेई मेन और नीट के संदर्भ में सीधी बात कि यू स्ट्रेस क्या है। जनाब स्ट्रेस सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बच्चे की क्षमता अगर ऑल इंडिया रैंक 10,000 की है और वो बच्चा अपने आप को 1,000 का महसूस करता है तो स्ट्रेस में रहेगा। एक ये फैक्ट है डिमांड और सप्लाई का। हर बच्चे को पता होता है कि उसकी लेवल कहाँ है, फिर भी भ्रम सीना एक आदत है, पेरेंट्स की भी कठिनाई है, जानना चाहिए। इसलिए पेरेंट्स जो आपसे जुड़े हैं, मैं विनम्र आग्रह करता हूँ कि ध्यान से एक एक शब्द सुने। सफलता मायने रखती है, पर बच्चे का मेंटल हेल्थ जरूरी है, और बच्चे आप तनाव में इसलिए हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको उम्मीद क्या करना है। तो अगर आप जेई मेन के स्ट्रेस से प्रभावित हैं, तो सबसे पहले मैं एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे,
एवरेज जो बच्चे हैं वो तनाव में रहते ही नहीं है, वो सिर्फ पेरेंट्स तनाव देते हैं, उन्हें पता है कब लटका देना, उन्हें पता है कैसे दे देना, और पेरेंट्स हमारे भोले भाले हैं जो तनाव में रहते। अब आती है परफॉर्मर्स की बात। अभी शिक्षक के बच्चे खुद अत्यंत मेधावी हैं, एक डीटीयू में पढ़ रहा है, दूसरा बेट पिला है, इन्होंने आज पेरेंट्स और फादर दोनों फेस किया है। मैं अपने एक अनुभव रखना चाहता हूँ कि जो टॉप रैंकर्स बच्चे हैं उनको दो बात समझनी पड़ेगी। एक कि जो आप आईटी की परीक्षा देने जा रहे हो ना, रिजल्ट लगभग क्या है, अब रेस सिर्फ इसकी है कि आपका रैंक क्या होगा। जो इस लेवल की लड़ाई में नहीं है वो रेस से बाहर है। एक दूसरी चीज, एग्जाम स्ट्रेस के तीन लेवल होते हैं। पहला प्री एग्जाम स्ट्रेस जो अभी का दौर चल रहा है, दूसरा इन एग्जाम स्ट्रेस, और तीसरा पोस्ट एग्जाम स्ट्रेस। अभी मैं सिर्फ टॉप रैंकर्स बच्चों के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ स्ट्रेस की। मीडियोकर्स के लिए अलग बात होगी जो फिर कभी चर्चा करेंगे, और लो परफॉर्मेंस की अलग बात होगी। अभी सिर्फ टॉप रैंकर्स बच्चों के विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे। प्री एग्जाम स्ट्रेस, प्री एग्जाम परीक्षा के पहले, अभी फरवरी है, एक परीक्षा हमारी 20-22 तारीख को है, फिर अप्रैल में है, मार्च में है, मई में है। परीक्षा के पहले जो तनाव होता है वो प्लानिंग के अभाव के कारण होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि सक्सेस का क्या फॉर्मूला है तो बोलेगा टाइमली कंप्लीशन सिलेबस, रिवीजन, 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 टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट। अभी जो बच्चे टॉप रैंकर्स हैं उनको अगर स्ट्रेस से बचना है तो आप एक मिनिमम पहले समझ लें, ये 99% का केस नहीं है, 99% का ही जरूर है, आपको पूरे में पूरे पर नहीं लाने हैं। अभी जो समय बचे हैं फरवरी में के लिए या मार्च अप्रैल मई के लिए, आप क्या कर सकते हैं मैक्सिमम ये तय कर लें और अपने शिक्षक से बात करके उसको फाइनल करें, क्योंकि 100% सिलेबस, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं आपको, 99% बच्चे नहीं कर पाते हैं, चाहे पहली बार को बाद में, कोई 95%, कोई 90, कोई 80, पर अच्छे बच्चे जितना करते हैं पक्का करते हैं। तो स्ट्रेस से बचने हैं, प्री एग्जाम स्ट्रेस से आप असेसमेंट कर लो कि मैं इतना किया हूं। ठीक है, विकास जी कह रहे हैं कि स्ट्रेस से बचने के लिए एग्जाम स्ट्रेस के लिए इम्पोर्टेंट है कि आज हमें क्या करना है इस पे बात होगी, क्या नहीं कर पा रहे हैं ये भी एक आनंद है। तो आधा टाइम इस पे करते ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, इसमें आधा टाइम चला गया। इसीलिए पेरेंट्स ध्यान से सुने कि आपके जो भी तैयारी है उस तैयारी को आप पूछा करें और क्या नहीं हो सकता है उस पे बात जेई मेन के बाद हो, ये प्री एग्जाम स्ट्रेस है। अच्छा, तो क्या टॉपर्स को, हाँ, टॉपर्स को भी एग्जाम स्ट्रेस होता है, और टॉपर से आपका क्या मतलब है, कितने रैंक तक को आप मानते हैं कि वो रेस में है, उनको टॉपर के अंदर परिभाषित किया जाए कि कितने रैंक तक आ रहे हैं बच्चे, क्योंकि बच्चा टॉपर का मतलब ये समझ रहा है कि हम टॉप 50 में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब मैं बाहर हूं। हम कितने, किस सेगमेंट की बात कर रहे हैं, कहां तक के रैंक जेई मेन में आए तो उसको हम मानेंगे कि उसका ठीक है और उनकी हम बात। भाई 95% से जो ऊपर आएगा वो टॉपर है। हाँ हाँ, तो भाई अच्छा, 55 बच्चे 2019 में जिनको 95% आया ये सभी टॉपर है। सीटी के हिसाब से 55,000 बच्चों में 95% आया। सीबीएसई के हिसाब से 90% जो लाया वो भी टॉपर है। पूरे देश में 31,000 बच्चों को 90% आया तो वो भी टॉपर है, कोई डिनाई नहीं कर सकता, टॉपर है किस क्षेत्र। अब आते हैं आईटी की बात। एडवांस्ड में टॉपर एक भाषा है जो कोचिंग संस्थान बताते हैं। कोचिंग संस्थान ने इस देश में बहुत अच्छा कार्य किया है, सारे टॉपर्स वहीं निकलते हैं, पर स्ट्रेस का बीज वहीं से निकला है। एक स्थिति पैदा की गई है देश में जहां जो आप बात कह रहे हैं अरविंद सर, 50 रैंक पर 100 रैंक पर टॉपर माना जाता है, निसंदेह वो टॉपर है।
पर उनके नीचे वाले भी टॉपर है। और क्या परिभाषा है, देश पूरे प्रति इंसान स्वतंत्र है इसे डिसएग्री करने के लिए। अब टॉपर में कैटेगरी है, डेफिनेटली 100 वाली कैटेगरी बहुत ऊपर है। पर याद रखेंगे सभी पेरेंट्स, 500 रैंक भी वही बच्चे लाता है जो 100 की कैटेगरी वाला होता है। 500 रैंक बिल्कुल परसेंट के बच्चे हैं। हाँ। टॉपर की बात है, ये एक अलग ब्रैकेट है। एक ब्रैकेट हुआ 1 to 100 का, फिर एक 500 का ब्रैकेट हुआ, 1000 रैंक का हुआ, एक 2000 का, 3000, 5000 रैंक, और साहब 14000 रैंक वाले भी टॉप रैंकर है। ब्रैकेट उनका है और एग्जाम में परफॉर्मेंस मायने रखता है। एक ऐसे सवाल की सर आप तो कितनी बार चर्चा करते रहे हम लोगों से, एक चौक आपका एक नंबर हिलेगा रैंक आपका चला जाएगा बिल्कुल। तो इसीलिए इस एग्जाम स्ट्रेस की बात जब प्रॉपर से स्पेक्ट में करते हैं, जो जिस लेवल में है अगर अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करेगा तो उसके नंबर अच्छे आएंगे। अब मैं जेई एडवांस के संदर्भ में इन एग्जाम स्ट्रेस की बात करूं, मैं पिछले 16 वर्षों से आईटी की परीक्षा केंद्र पे जाता हूँ, जिस संस्थान में क्लिक किया उस संस्थान में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे मिलने, या काउंसलिंग अभी कर रहे हैं तो हमारे अपने बच्चे जो जाते हैं, तो पेपर वन में जब बच्चा बैठता है एग्जाम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है वो छोटी सी बात है। अगर पेपर टफ आए तो भगवान को धन्यवाद देना और कहना भगवान देखिए गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ये जो मेरे लिए टफ सबके लिए है ना, एक बार भगवान से पूछ लीजिए, भगवान यही बोलेगा तुम्हारे लिए जो टफ है वो दूसरे के लिए भी है, तो ऐसी कोई बेमानी है नहीं। तो क्वेश्चन सबके लिए जो सेट है नया है, और आईटी के बारे में हर बार नए क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, इन एग्जाम स्ट्रेस को जेई एडवांस में या जेई मेन में जो हैंडल करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैंने देखा है कि बच्चे को सर क्या अच्छा सर मैथ गिरा के आ जाऊंगा, फिजिक्स एक बच्चा मैं फिजिक्स ये कर दूंगा, परीक्षा के मिलने पे मैं पूछता हूँ बाबा तेरा तो मैथ्स बहुत अच्छा था, मैथ्स कैसा गया ना सर, गोल हो गया। हाँ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री हमको दिया। हाँ। तो आप ऐसे तैयार रहिए, ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए आपने जीवन दे दी वो बेवफा नहीं कर गए, वो मैथ्स वो फिजिक्स। और कई बार हमारे यहाँ क्या होता है, टीचर से जिस टीचर से जितना मोहब्बत उस विषय में उतना ही मन लगता है। हाँ। तो कई टीचर होते हैं और कई जब परीक्षा में नंबर नहीं बनते हैं तो दिल टूट जाता है, बाबा रे बाबा मेरे किए हम इतना मेहनत किए, सर को मुंह क्या दिखाएंगे, सर तो बोलेंगे भाई सर कुछ नहीं बोलेंगे, तुम सही सलामत बाहर निकलो, नंबर लाओ, बेस्ट परफॉर्मेंस। मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार आपका जो विषय बहुत अच्छा रहता है वही विषय आप अच्छा करेंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप डाल तो क्वेश्चन सेटर पाथ पाथ। ठीक है, इसके अगला पहलू ये है कि आपको मैं बता दूं कि जेई एडवांस में कितने विषय का क्वालिफाइंग कटऑफ होता है, और आपको मैं बता दूं कई बार 2000 से 3000, 100 रैंक की रेस अलग है तो 500 की अलग है, 2000 से 4000 रेस वाले ने दो दो पेपर में भी बहुत अच्छा करके रैंक ले आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं तीनों विषय के कटऑफ क्लियर करना जरूरी होता है, और अगर आपको किसी एक में क्यों नंबर आ रहा है तो चिंता नहीं करेंगे, तो अंतिम निर्णय होगा वो एग्रीगेट कटऑफ पे होगा। ये जो इन एग्जाम स्ट्रेस है इसका एक इंफॉर्मेशन का पहलू है, ये इंफॉर्मेशन है। साइकोलॉजिकल पहलू पे बात करते हैं, ये वार ऑफ नर्व्स है, पहले चीज समझेंगे। मैं कई बार जो अच्छे बच्चे होते हैं वो सब बोलते हैं टेस्ट बहुत जरूरी है, हम भी बोलते हैं आप भी बोलते हैं, पर एक बच्चा जब एग्जाम देता है आप जब परीक्षा दोगे तो सोचोगे तो पता चलेगा उस टेस्ट सीरीज के पेपर से कोई संबंध ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा अक्सर होता है, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कुछ और होते हैं, कई बार क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट लेवल के होते हैं कि वो एग्जाम में आ ही नहीं सकते। ठीक है, और अब उस समय जब टेस्ट सीरीज बच्चा देता है तो देख करके अपने आप को एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है,
जो आप कहते हैं वो यू स्ट्रेस नहीं डी स्ट्रेस हो जाता है। इसीलिए परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ये मानना है कि आईटी वाले कसम खा के बैठे हैं कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेना है कि बेस्ट स्टूडेंट बेस्ट मेंटल फ्रेमवर्क का स्टूडेंट आगे आए। और देखिएगा कई बार होता है एक बच्चा है उसका कैलकुलस बड़ा बढ़िया है, एक टीचर थे मैंने कहा आपका बच्चा कैसा कि टॉप रैंकर होने वाले थे, हाँ तो ये एग्जाम ऐसा है कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि बच्चा ये सोच के जाए कि हम ये सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करेंगे तो क्या बताएं सर हमसे कैलकुलस का सवाल नहीं बना। हाँ अब इसमें क्या है आप किसी विषय को अपने को पहलवान नहीं समझिए, आप एक्सपर्ट है उसमें क्वेश्चन सेटर आपसे भी एक्सपर्ट है तो अगर बहुत कठिन दिख तो बहुत समय वहां नहीं गवाए और उसमें जो समय गवाते हैं इस सोच के कारण आप में एक फिटनेसी डेवलप होती है, आप तनाव के शिकार होते हैं और इसके कारण जो क्वेश्चन आप जानते भी है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो इन एग्जाम में आपको चीज और बता दें बहुत सारे पहलू है, एक बात और कह रहे हैं कि आप जब पेपर बैठते हैं पेपर को ऐसी स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी कि 10 मिनट 5 मिनट समय आप एक बार देख लें रिवाइज कर लें। कहना मेरा बड़ा आसान है करना कठिन है पर टॉप थिंकर्स करते हैं, एक बार कई बार आपको पता है कि इसका आंसर बी है ऑप्शन पर गलती से सी मार्क हो जाता है, ऐसा होता है स्ट्रेस में तो होता ही ऐसा है। होता है ठीक है इसलिए आपको एक बार देखना पड़ेगा। अब जे एडवांस में आते हैं आपको पेपर वन के बाद पेपर टू में गैप होता है, स्ट्रेस से बचने के लिए मैं सभी युवाओं से विनम्र अनुरोध करता हूँ, बच्चों को एक विनम्र सुझाव देता हूँ एग्जामिनेशन हॉल में निकलने के बाद पेपर डिस्कस उस दिन मत करो, 2 घंटे जो समय आपको बीच में मिलते हैं उस बीच आप चुपचाप जाइए ऐसी ऑन कीजिए मुश्किल पीजिए मन पसंद खाना खाइए और आगे के मन को फोकस रखिए क्योंकि वो जो तनाव है अगर जाने के तो गलत होते हैं आप में घबराहट होती है। दूसरी बात मैंने जीवन में सैकड़ों ऐसे बच्चे देखे जो पेपर वन खराब होने के कारण पेपर टू में हौसला टूट जाता है और पेपर टू अनमने ढंग से देता है, यहाँ पेरेंट्स का बड़ा रोल है। परीक्षा हॉल में पेपर वन के बाद सीधे उठाए गोदी में लेके बाहर जाए अलग ले जाए और पेपर वन जैसा भी गया पेपर टू के लिए फिर फोकस देंगे, कई बच्चे इसके कारण शिकार हुए हैं। तो ये जो स्ट्रेस डेवलप होता है पेरेंट्स की भूमिका बहुत जरूरी होती है पोस्ट एग्जाम कि भाई पूछे ही ना कि पेपर वन कैसा गया, जैसे ही पूछते हैं क्योंकि जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन ने कहा था जो बीत गई सो बात गई माना हुआ बहुत प्यारा था, तो जो पेपर बीत गया उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। पेरेंट्स जैसे ही पूछते हैं बच्चे से कि भाई बेटा कैसा गया पेपर, तो बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है उस पर का जो भी हुआ सो भूल जाओ अब पेपर टू की तैयारी करो, ये आप कहना चाह रहे होंगे मेरे ख्याल से। जी एक कुछ बच्चे ही नहीं टॉपर बच्चे में भी आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, कई बार एक जनरल बच्चा जान के टच कर देता है इस सवाल का क्या आंसर आया तुम्हारा, इसमें क्या होगा तुम्हारा। हाँ हाँ नहीं नहीं वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा इस चर्चा से लाभ नहीं है। हाँ। अब आपके पोस्ट एग्जाम स्ट्रेस जब आप पूछा दे देते हैं उसके बाद का दौर भी बड़ा लंबा चलता है कि आप ये जितनी तैयारी की देखिए दो बात मैं कहूंगा पूरे विश्वास के साथ, एक पहलू है जो टॉप रैंकर्स होते हैं जितनी तैयारी करते हैं ऐसा परफॉर्म कई बार नहीं कर पाते हैं तो उनको तो दुखी होने का अधिकार है, लेकिन कई बच्चे मेहनत नहीं की है लेकिन मेहनत करते हुए दिखाए हैं पेरेंट्स को उनको कहेंगे भावनात्मक को न करें पेरेंट्स को जीतने और पेरेंट्स को भी असेसमेंट को अभी मैं कहूंगा जब जेईई मेन के एस्पिरेंट्स हैं आप देश के
किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, सभी कोचिंग संस्थाओं की अपनी खासियतें हैं, सभी के टेस्ट आप दीजिए। पेरेंट्स को कहूंगा एक बार अपने बच्चे को एनटीए के वेबसाइट पे जेई मेन का दिलाइए। कंडीशन है, आपको सीधा सही असेसमेंट मिलेगा। मैं कई कोचिंग भी ले सकता हूँ जहाँ पे सही असेसमेंट हो रहे हैं, पर पर्पस वो नहीं है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कोचिंग से इंडिपेंडेंट है, तैयारी फिर कोचिंग ही करती है। तो पेरेंट्स को सही पता होगा। और मैं बता दूं स्ट्रेस का आखिरी कारण परीक्षा में बच्चे, मैं काउंसलिंग करता हूँ, मेरे पास हम लोग 2014 से प्री काउंसलिंग और रैंक काउंसलिंग किए, हमने हिसाब लगाया, मैं देखता था 16 में मुझे अंदाजा लगा कि 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच मैक्सिमम बच्चे स्ट्रेस के लिए एंग्जायटी के लिए हमारे पास अप्रोच करते थे। मतलब वो कैसे काउंसलिंग के लिए नहीं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। बच्चे से मैंने पूछा यार ये बताओ कि ऐसा क्यों होता है। उसने कहा देखिए ऐसा है सर, और फिर मैंने देखिए आपको याद होगा सर अभी तो चीजें बदली है, क्या था फर्स्ट संडे ऑफ अप्रैल परीक्षा हो जाती थी एप्रिल की या जेई मेन की, और लास्ट संडे को रिजल्ट आता था। ये नॉर्मल साइकिल थी। हाँ, ये नॉर्मल साइकिल था, ठीक है। तो एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर क्या है कि हम ये बोले ये बताओ साहब साहब तुम एग्जाम दिया फर्स्ट संडे को ऑफ अप्रैल को, आज है थर्ड संडे, तुमको तो पता चल गया होगा कि तुम्हारा मार्क्स कैसा है, ये टेंशन तुमको आज क्यों हुआ। तो बोला तो सही आपका सर, और मैं बहुत क्लियर था ये टेंशन आज सुबह उत्पन्न होने वाली चीज ही नहीं है। इस बच्चे को अच्छा बच्चा है, इसकी अगर 7 तारीख को हुई है अप्रैल में 6 को हुई है। उसने कहा ऐसा है सर कि अभी तक मेरी परीक्षा कैसी गई वो सिर्फ हमको पता है। अब कल जब पूरे मोहल्ला को पता होगा, ठीक है, सही बात है। अरे यार तो है हमारे पड़ोसी बच्चे तैयारी करते हैं तो आपको महीने में पूछ देते हैं पड़ोसी, भाई तू तैयारी कर रहा है, हुआ पूछ जाते हैं कि परीक्षा चालू हो जाए। तो ये जो है बच्चों का टेस्ट का इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से नहीं करता, और पेरेंट्स भी पूरी है बता दूं, क्योंकि कोचिंग संस्थानों के रिजल्ट से बच्चों का अंदाजा अब नहीं लगता है किसका भूतपूर्व टॉपर्स, वर्तमान टॉपर्स का तो लग जाता है उस भ्रम में जीते हैं, और पेरेंट्स को भी रखते हैं, और पेरेंट्स के पास कोई साधन नहीं है, सिलेक्ट बोल देते हैं ये पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ हमने नहीं किया, और सभी टेस्ट में पास करते हैं। तो समरी ये है कि एग्जाम स्ट्रेस के 3 प्रकार हैं, इन एग्जाम स्ट्रेस, प्री एग्जाम स्ट्रेस और पोस्ट एग्जाम स्ट्रेस, और तीनों में बचना है, संभलना है, सो दैट की अगली परीक्षा के लिए तैयार हो सके। तो ये बताएं कि जो टॉपर्स हैं इनको भी स्ट्रेस होता है, और ये आपने बताया कि उनको भी स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस मोर और लेस मैं समझता हूं जहां तक कि मीडियोकर जो बच्चे हैं या टॉपर है उनके स्ट्रेस में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स का होता है। वो पेरेंट्स जो है वो अक्सर अपनी एम्बिशन को बच्चों पर इतना ज्यादा थोप देते हैं कि बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं। कंपैरिजन जो है वो दूसरे से, ये बच्चों में स्ट्रेस बढ़ाने का मैं समझता हूँ एक मेन कारण है, और ओवर एक्सपेक्टेशन रादर देन द कैलिबर, कि बच्चे का कैलिबर कैसा है, बच्चे का क्या क्वालिटी है नहीं है, और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती है, ये एक स्ट्रेस का कारण है। तो बताइए कि पेरेंट्स की भूमिका स्ट्रेस बस्टिंग में कैसे और क्या रहनी चाहिए, पेरेंट्स की क्या भूमिका रहनी चाहिए जिससे कि बच्चा स्ट्रेस से मुक्त हो सके और स्ट्रेस कम से कम उस पे हो सके। मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आपने इस 2 बात कहूंगा, सबसे पहले आपने जो बात कही वो 100% सत्य है, कहीं इसमें एक बात नहीं है, पर इस चोरी का एक दूसरा पहलू है। सीबीएसई को इस बात का आंसर देना पड़ेगा, कोचिंग संस्थाओं को इस बात का आंसर देना पड़ेगा कि जो बच्चा 95% लाया है आखिर उसके माँ बाप से उम्मीद क्यों नहीं करें।
बिल्कुल बिल्कुल, जब आप उसको 91% देते हैं, 90% देते हैं, तो एक माँ बाप क्यों भी उम्मीद करे कि बच्चा आईटी में करे। और जब एक बच्चे कोचिंग संस्थान ज्वाइन करता है तो 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जब वो बच्चा स्कूल में फेल करता है, तब ये कोचिंग संस्थान क्यों नहीं पेरेंट्स को बताते हैं कि भाई बेसिक्स इसके ठीक नहीं है, ये क्यों भ्रम में रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश की अक्रॉस द कोचिंग इंस्टीट्यूट इंटेंशनली नहीं है, अनइंटेंशनली भी नहीं है, ऐसा होते आ रहा है। एक बच्चा जी दो दो विषय में फेल करता है, 3-3 विषय में करता है और कॉन्फिडेंस से घूमता है कि मैं तो आईटी की तैयारी कर रहा हूँ। इसमें बेचारा क्या करेगा, क्या करेगा। बिल्कुल सही बात है, पेरेंट्स को, पेरेंट्स ने पूरे विश्वास के साथ स्कूल को दिया, पेरेंट्स ने पूरे विश्वास के साथ कोचिंग संस्थान को दिया, और जो बच्चा मई के रिजल्ट में 95% लाया, अगर वो बच्चा सितंबर की परीक्षा में 130 लाता है तो इसमें पेरेंट्स क्या कर सकता है। तो पेरेंट्स, और मैं बता दूं, बड़े से बड़े कोचिंग संस्थानों में भी लेवल नहीं नीचे किया जाता है, आखिर क्यों? तो ये जो स्ट्रेस है पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन इसलिए है क्योंकि पेरेंट को सही आईना नहीं दिखाया जाता है, नहीं दिखाया जाता पूरे देश में। 4 बार भी पेरेंट टीचर नहीं होती है, 2 लाख रुपए पेरेंट देता है, पेरेंट को बुला करके भी बताया जाता है और बता भी दिया जाता है, तो क्या एक पेरेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। इसका उपाय संस्थानों को निकालना पड़ेगा, स्कूलों से उम्मीद इसे पे है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसे मैं स्कूल की नाम नहीं हूँ, इसलिए नहीं है क्योंकि स्कूल की जो स्ट्रक्चरिंग है इस तरीके से बनी हुई है कि एक विरोधाभास है, और स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी होती है पर उस चीजों को चेंज करना होगा। जी अच्छा, इसको दोष से मुक्त नहीं करूंगा लेकिन ये जरूर कहूंगा कि भाई ऐसी सिस्टम हो कि भाई इसको एक फीडबैक मिले। और बताऊं, जब मैं कह रहा हूँ उम्मीद नहीं है स्कूलों से, इसका मतलब नहीं कि स्कूल नहीं कर रहे हैं। स्कूल जो हाफयरली परीक्षा सिंसियरली ले रहे हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, जो जो देश भर के स्कूल, क्योंकि वो आईना दिखाते हैं। स्कूल से जब मैं कह रहा हूँ उम्मीद नहीं करना है क्योंकि वो जो अपग्रेडेशन वाले बच्चे को हैंडल करने में संभव नहीं है, लेकिन 90% बच्चे उस लॉट में है जहाँ सिर्फ जिंदा रहने के लिए पहले एनसीईआरटी सीखना पड़ेगा। यहाँ जो भूमिका है कोचिंग संस्थानों को अपने रिजल्ट को बच्चे को गार्जियन को 3 महीने के बाद साफ साफ बताना चाहिए कि भाई आपका बच्चा कल 95% वाला था, आज नहीं है। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, स्वागत है उनका, नहीं करते हैं उनको मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर पेरेंट्स उन संस्थानों में जब देते हैं तो 3 महीना के बाद जाके पूछिए कि साहब एनसीईआरटी के सवाल मेरे बच्चे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, स्कूल ने कुछ करेगा या नहीं करेगा। इसीलिए देश जो है पेरेंट्स का ओवर एक्सपेक्टेशन इसलिए है, समरी कर दो, सीबीएसई ने उसे 95% दिए, कोचिंग वालों ने बताया कि आपका बच्चा मेरे टेस्ट पे टॉप कर रहा है, और बीच में जो हो रहा है स्कूल में जब टेस्ट होता है वो कहता है कि छोटे छोटे एग्जाम है, इससे क्या फर्क पड़ता है। इन बातों से भी अंतर आती है। हाँ, एक इसमें और जो दिक्कत आती है, बच्चा जिसमें बच जाता है और पेरेंट्स भी इस स्क्यूज को लेते हैं, जनरली ये कहता है बच्चा कि स्कूल में कुछ और टॉपिक आ रहे हैं और कोचिंग वाले कुछ और टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टॉपिक दोनों अलग अलग हैं तो मैंने स्कूल पे ध्यान नहीं दिया था, मैं तो कोचिंग पढ़ रहा हूँ, कोचिंग वाले को तो इसलिए वो स्कूल में नंबर नहीं आए। पेरेंट्स भी इस बात से कन्विंस हो जाते हैं यूजुअली, और पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा ठीक है। हाँ नहीं, यही मैं कह रहा हूँ, ये गलत कम्युनिकेशन है सर। हाँ भाई भाई, ये गलत है, ये गलत है, वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि ये गलत है कि इतना तो पढ़ाई जरूर करो कि भाई स्कूल में भी बढ़िया परफॉर्म करो, तब आपका बच्चे का आत्मविश्वास खुद बना रहेगा और पेरेंट्स का भी भरोसा अपने बच्चे पर बना रहेगा। अच्छा ये बताइए, जेई मेन के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? अभी जो आने वाला एग्जाम है, लगातार फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने होने वाले हैं, इनके लिए आपके क्या संदेश है? क्या इनको कोई स्ट्रेटजी सलाह देंगे स्ट्रेस बस्टर के रूप में या जो भी है तैयारी के संदर्भ में, जिससे परफॉर्मेंस उनकी ऑप्टिमाइज हो सके?
देखिए अभी जो मैं सलाह दूंगा, जो टॉप रैंकर्स हैं उनको किसी सलाह की जरूरत नहीं है, जो 500,000 रैंक 2,000 हैं, अपने जो गुरुजी से बात कर रहे हैं चुपचाप डांट के रख लीजिए। अच्छा। अभी किसी का हक नहीं है, जो जो 1,000 रैंक वाले हैं 2,000 की रेस में, 3,000 वाले जो इधर वाले करके बाद वाले, तो थोड़ा सा मेरा 5,000 वाला थोड़ा ज्यादा सुनिए, 10,000 से लीजिए और पूरा का पूरा सुन के जाइए। जो नहीं है के सुने, आपको असेसमेंट है। अगर आप एक कोचिंग संस्थान के 500 रैंक में है, तो अगर आप कोटे के किसी कोचिंग में है, तो आप मत बोलिए कि देश में ऐसी संस्था है जिसकी ब्रांच देश के हर एक स्टेट में कैपिटल में है। अगर किसी देश के कैपिटल वाले कोचिंग में है, तो मत बोलिए कि कोटा में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उदयपुर में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, सब जगह एक से सिंगल बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप असेसमेंट उस रैंक को आंख मूंद के ऑल इंडिया रैंक को मत मानिए। किसको मानिए अलग से बात करनी होगी। अगर आप 1,000 रैंक के बाहर हैं और आप भी सहमत हो जाएंगे जो पेरेंट भी सर कि बिटसैट पे फोकस करना चाहिए। बिटसैट हमारे कोचिंग सिस्टम में आईटी को इतना महिमा मंडित कर दिया गया कि बिटसैट जैसी को भी वो इज्जत नहीं रही। जब हम लोग बोलना शुरू 2016 में रांची में तो बड़ा विरोध होता था, क्या बात कर रहे हैं आप, नीचे बात कर रहे हैं। अरे भाई ऊपर में तो थोड़े ही लोग हैं, तो बाकी के लिए बात मुझे करनी पड़ेगी, ऊपर वाले के लिए कोचिंग करते ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो है के बाद के जो बच्चे होते हैं उनको ये फोकस करना है कि जेई मेन में इतना अच्छा करें और बिटसैट में कि उन्हें टॉप कॉलेजेस मिल जाए। और जो बच्चे 10,000 के रैंक के बैरियर को क्रॉस करते हैं उन्हें दो बात करेंगे, जो अनुमानित आधार पे एक पेपर टू को भी आप एक्सप्लोर कीजिए जेई मेन में, आर्किटेक्चर में सकता, कई बच्चे पेपर वन में नहीं कर पाते हैं पर दो महीना ध्यान देते हैं तो पेपर टू से सीधे एनआईटी के टॉप में पहुंचते हैं। और बच्चे एडवांस में है, एडवांस क्वालिफाई कर सकते हैं, उनके लिए भी आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसके लिए समय बड़ा कम लगता है। तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़े नीचे रैंक में आप जा रहे हैं और टॉप मोस्ट है, तो आप आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में भी सोचिए। संकल्प पे फोकस रखिए पर विकल्प भी देखिए। ये बात 100 रैंक वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप तो सुनिए मत मेरी बात, आप अपना काम कीजिए, 500 रैंक वाले सुनिए मत और बाकी लोग और अपने कोचिंग के रैंक पे ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए कि आप बहुत अच्छा रैंक ला रहे हैं, और न ही कम रैंक आने पे डिमोरलाइज होइए। आपकी कितनी तैयारी है आपको पता, आपने पेरेंट्स को बताया नहीं है, पर आपको थोड़ा सा मुंह लटकाना है कि भाई देखिए मेरा नंबर क्या कम आ गया है, आपने तो पूरा रिवाइज नहीं किया। हर कोचिंग का अपना सिस्टम है। समरी ये है कि बच्चे जो स्ट्रेटजी है कि अभी टॉप रैंकर्स एडवांस का जो प्रोसीडियर है कोचिंग की ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी उसको फोकस करें, पर जो सेकंड मोड है वो पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ जेई मेन पे लगाए। और देश के 80% आम जनता से अनुरोध करूंगा जिनको ये शक है कि बोर्ड और जेई मेन को कैसे बैलेंस करें, एक बार की बात है कि आचार्य रजनीश से एक दिन देखा एक साधु है वो अभ्यास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे टू बी महावीर। उन्होंने कहा कि महावीर बनने के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं है, ये एक अवस्था है, यू नो महावीर एंड एवरीथिंग एंड्स, और आप उस बुद्धत्व की बात कर लेते हैं। तो आप अगर यही मेन के रेस में है तो आपको कंफ्लिक्ट होगा ही नहीं बोर्ड एग्जाम का, अगर ये कंफ्लिक्ट है तो आप बोर्ड एग्जाम को इज्जत दीजिए, सीधी सी बात है। और अभी ट्वेल्थ में चूंकि चुनौतियां रही हैं, स्कूल्स में क्लासेस नहीं चल सके, और पूरे देश में पेरेंट्स ध्यान से सुने, आपके बच्चे ने सब्जेक्टिव पैटर्न पे ज्यादा टेस्ट ही नहीं दिया है, तो 80% पेरेंट्स से मैं अनुरोध करूंगा एसेस कीजिए और एक बार देखिए नोट्स भी बनाया है कि नहीं बनाया है सब्जेक्टिव पैटर्न पे। तो कहा सब्जेक्टिव पैटर्न पे नोट्स भी नहीं बनाया, आप किसी एक विद्यार्थी से दो कॉपी में अगर मंगा के देख लेंगे तो मिठाई खिलाऊंगा, एक इस कॉपी में सुपर चैप्टर दूसरे कॉपी में, एक कॉपी भी नहीं बचती 80% बच्चों की। अभी भी समय है, जो बच्चे उस लॉट में हैं वो अपने बोर्ड पे फोकस करें, बाकी जेई मेन पे करें और वेबसाइट पे करें, और ऊपर वाला जो लॉट है, और मैं एक परसेंटेज बताना चाहता हूँ, एक्यूरेसी का कोई दावा नहीं पर होगा वही 1% से 9% बच्चों को ही सिर्फ एडवांस की तैयारी करनी चाहिए।
आई रिपीट 1% से 9% और पूरे हिंदुस्तान के कोचिंग इंडस्ट्री मुझसे एग्री नहीं करेगी तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा, पर ये सच्चाई है। यही स्वीकार करना, यही तो दिक्कत है कि बच्चा अपने आप को 9% के अंदर समझे कि बाहर समझे, ये बच्चे को नहीं पता, पेरेंट्स को भी नहीं पता। तो हम एक इस भ्रम में कोचिंग रखता है सर। हाँ, कोचिंग रखता है, बिल्कुल कोचिंग तो अपना बिजनेस चलाना है तो कोचिंग भ्रम में रखता है। हम एक जनरल आइडिया देते हैं जिसे पेरेंट्स को पता चल जाएगा। एनटीए की वेबसाइट पे एक टेस्ट दिलाएं बच्चे को, और अगर बच्चे के 100 नंबर से कम आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप उस 9% में नहीं है। 120-100 से कम अगर नंबर आ रहे हैं, समझ लीजिए आपका बच्चा उस रेस में नहीं है। एक सीधी सी बात है जिससे लोगों को, पेरेंट्स को भी असेसमेंट मिल जाएगा। अपने बच्चे को एनटीए की वेबसाइट पे कोई एक रैंडम पेपर खोल के दे दे करने के लिए, अगर उसके 100 से कम नंबर आते हैं तो आप समझ लीजिए आपका बच्चा उस रेस में नहीं है, लेकिन जेई मेन के रेस में जरूर है, है ना, ये कह सकते हैं। तो नीट वालों के लिए आप क्या कहेंगे बताएं, नीट की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे, कोई सलाह देना चाहेंगे? जल्दी से, थोड़ा समय कम रह गया है। नीट वालों को सलाह देंगे कि हर विषय को पूरा सम्मान दीजिए, बायोलॉजी को हल्के में मत लीजिए। बायोलॉजी को ये मत सोचिए कि आखिरी में भी पढ़ेंगे, पिकअप करेंगे तो कर जाएंगे। 360 है तो आपको ऑप्टिमम स्कोर करने में सुविधा बायोलॉजी ही देगी। उसको हल्के में लीजिए तो 5 से 10 नंबर का नुकसान टॉपर्स बच्चों को भी हो जाता है। तो नीट वालों को ये कहेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपको न एक्स्ट्रा एडवांस लेवल की प्रैक्टिस की जरूरत है, न लोअर लेवल की। सही लेवल की कोचिंग बनाए जो स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट कराते हैं। मैं बार बार कहता हूँ ये तो पूरी प्रक्रिया है, अच्छे की पूरी स्किल कोचिंग के ही पास है, अगर कहीं पे नहीं है कि नहीं उपाय है, पर जो नहीं लाभ दे पाते उनके लिए कभी कभी ठीक है। तो ये कुछ सलाह थी, अभी टेक्निकल थोड़ी सी फिर से शायद हैंग हो गया सर का वीडियो, और मैं हाँ तो ठीक है। आज के थोड़ा समय कम है क्योंकि दूसरी चीजें भी है इसके साथ, तो मैं ये समझता हूँ कि आज के संदर्भ में जो चर्चा हुई है इस पे काफी कुछ लोगों को पता चल गया होगा। एक आखिरी प्रश्न बताइए, ऑनलाइन या ऑफलाइन नीट में क्या कुछ चेंजेज है या कुछ फर्क पड़ेगा जो ये चार बार चीजें है कि मेरा मानना है कि परीक्षा ऑनलाइन ही होनी चाहिए नीट में भी। अच्छा, वही है जो बैलेट पेपर ईवीएम में है, उतना बड़ा जरूरी नहीं है। कैलकुलेशन में ट्रेनिंग लगेगा, नीट में बड़ी बड़ी माया है, सारा देश जानता है। ऑनलाइन और बच्चे को भी पर्याप्त एक्सपोजर है। और एक बात, तो भ्रम न फैलाए, गांव का भी जो बच्चा नीट की तैयारी करता है उसके पास आज सिस्टम है। और मैं ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को कुछ पहलू पे कहता हूँ, उसी तरह उनके पक्ष में एक बात कहता हूँ कि आज कोई ऐसा बच्चा नहीं जो साधन के अभाव में पढ़ नहीं पाएगा। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने प्रावधान से गरीब बच्चों की भी मदद करते हैं, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लोगों को अक्सर ये रहता है कि भाई हमारा बच्चा गरीब है या हम गरीब हैं तो हमारे बच्चे को नहीं फैसिलिटेट किया जाएगा। जी, अपने अपने तरीके से, अपने अपने टेक्नोलॉजी से वो जो मेघावी है और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और आपके मन से मैं अपील करता हूँ, जिन्हें लगे मेघावी है और सुविधा नहीं मिले तो आप ही के पास चिट्ठी लिखते हैं, हाँ, तो उपाय तो आप कर देंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। कम से कम मैं आश्वस्त करता हूँ कि वो अपनी योग्यता प्रमाणित कर देंगे। उनको हमारे बिहार झारखंड के जो कोचिंग संस्थान है निसंदेह गाइड करेंगे। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि हर एक बच्चे के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था की जा सकती है। अगर वो गरीब है और मेघावी है तो उसको हर एक कोचिंग संस्थान में जगह मिल सकती है। आप प्रयास करें, नहीं अगर आपसे हो पाता तो आप हम लोगों को लिखें, मुझे लिखें, मैं उसके लिए निस्संदेह करूंगा। और ये मुफ्त में आपको कोचिंग की व्यवस्था की जा सकती है।